थाने में? मैं कह रहा हूँ उतरंग ले आई करतारपुर साहब का, 15-16 करोड़ लोगों के लिए वो अमृतदाई सिद्ध हो गई। वो राफेल डील तो नहीं थी, अंबानी साहब की डूबी हुई 7500 करोड़ रुपए की कंपनी, हाँ डिसॉल्ट 10 रुपए का शेयर 1100 में खरीदती है, वो ये डील तो नहीं थी। हाँ डीलें करते हो, मखौटे लगाते हो, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत के पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाए जाने के ऐलान के बाद देश में इसके श्रेय को लेकर होड़ शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उनका पाकिस्तानी सेना प्रमुख के गले लगना काम आ गया। स्पेशल कॉरिडोर बनाए जाने के भारत सरकार के ऐलान के बाद पंजाब सरकार में मंत्री सिद्धू ने कहा कि ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के साथ गले मिलने का नतीजा है। हमारा नारा है बुरे दिन जाने वाले हैं। सिद्धू के अगस्त में इमरान खान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाने के बाद से ही भारतीय राजनीति में करतारपुर साहिब को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। तब सिद्धू ने पाक दौरे को लेकर काफी बवाल भी हुआ था। पाक से भारत लौटने के बाद सिद्धू ने दावा किया था कि इस दौरे के दौरान ही पाक सेना प्रमुख बाजवा ने उनसे कहा है कि पाक सरकार करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लिए रास्ता खोल सकती है। हालांकि तब देश में उनकी झप्पी को लेकर जमकर राजनीति शुरू हो गई थी। वहीं पाकिस्तान इस महीने के अंत से ही कॉरिडोर बनाना शुरू कर देगा। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान खुद इसकी शुरुआत करेंगे। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। कॉरिडोर 2019 तक पूरा हो सकता है। पाकिस्तान सरकार की ओर से भारत सरकार के फैसले का भी स्वागत किया गया है। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद अब सिद्धू ने ट्वीट कर मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि इस फैसले से दोनों देशों के बीच शांति का संदेश जाएगा। भारत पाकिस्तान दोनों देशों की सरकारों ने ऐलान कर रखा है कि वो गुरु नानक के जीवन में बेहद खास करतारपुर के गुरुद्वारा जाने के लिए कॉरिडोर बनाएगी। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि पंजाब के गुरदासपुर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक मोदी सरकार एक स्पेशल कॉरिडोर बनाएगी, जिससे करतारपुर साहिब जाने वाले सिख श्रद्धालुओं को काफी फायदा होगा। हालांकि अभी केंद्र सरकार की ओर से इस पर सिर्फ ऐलान ही किया गया है। इसके बाद से ही इस पर श्रेय लेने के लिए राजनेताओं में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सिखों के प्रथम गुरु नानक देव ने करतारपुर को बसाया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल यहाँ पर ही बिताए थे। यहाँ पर एक गुरुद्वारा है जिसे करतारपुर साहिब कहा जाता है। ये भारत पाकिस्तान सीमा से 4 किलोमीटर दूर है। हालांकि पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने इस फैसले के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है वो ऐतिहासिक है। सिद्धू के बारे में उन्होंने कहा कि कौन सिद्धू, इस बारे में सिद्धू का कोई भी रोल नहीं है। केंद्र के फैसले पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि अकाली दल की अपील पर केंद्र सरकार ने जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया है उसके लिए वो मोदी सरकार का धन्यवाद देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।